हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। आज मैं बनाने वाला हूँ एक वाइंड एनर्जी सिस्टम जो कि हवा से बिजली बनाएगा, और वो बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट मौजूद है। तो उन सब कंपोनेंट को हम लोग असेंबल करेंगे और जो सिस्टम है वो पूरा तैयार करेंगे। तो वीडियो में गाइस काफी मजा आने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जो लाइक का बटन है गाइस वो दबाना जरूर से बनता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये है अपने सिस्टम का मेन पार्ट। इसमें लगी हुई है एक डीसी मोटर जो कि 3 वोल्टेज से 5 वोल्टेज के बीच काम करती है, तो ये इतना ही करंट प्रोड्यूस करेगी। और इसके पीछे लगी हुई है एलईडी लाइट, और इसमें एक कैपेसिटर है जिससे कि ये कंटिन्यूसली जलती रहे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं ये मोटर घुमा रहा हूँ तो इसके अंदर जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक इसलिए कर रही है क्योंकि मोटर लगातार नहीं घूम रही है, हाथ से इसको कंटिन्यूसली घुमाना मतलब पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं एक और दूसरे मेन कंपोनेंट की जो कि है ये है एक गियर सिस्टम, और इसका यूज गैस बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो गैस इसमें सिस्टम ये है कि जैसे ही मैं जो ये ऊपर वाला गियर है इसको घुमाता हूँ तो जो नीचे वाला गियर है वो 6 गुना ज़्यादा स्पीड में ये घूम रहा है। आप लोग देखो, मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे घुमा रहा हूँ लेकिन जो नीचे वाला गियर है वो काफ़ी स्पीड घूम रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला गियर है ना, इससे जो फैन है वो अटैच कर देंगे, जिससे कि फ़ैन मतलब जिस स्पीड से घूमेगा तो उससे जो डीसी मोटर है वो 5 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड में घूमेगी। तो उससे मतलब जो है करंट बनाना पॉसिबल है, वरना इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हवा है हवा से पंखा इतना ज़्यादा तेज़ नहीं घूमता। ये तो एक मतलब 100% जुगाड़ से बने हुए चीज़ हैं, क्योंकि जो है ये गियर है ना वो इसके अंदर हम लोग फिक्स करने वाले, नहीं तो क्या है कि ये दूर दूर हो रहे हैं तो फिर ये अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और गाइस ये है इसका फ़ैन, ये फ़ैन मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है, और देखेंगे क्या ये मतलब इसको चला पाएगा या फिर नहीं। ये है बिल्कुल देसी जुगाड़, ये गाइस एक पत्थर है और उसके ऊपर तार से एक स्टैंड बनाया हुआ है जिससे कि इस पूरे सिस्टम को इसके ऊपर फिट कर सके। ये पंखा जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था ये यहाँ पे कामयाब नहीं रहा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वजन में काफ़ी मतलब हल्का है, इसलिए इसका लोड नहीं उठा पा रहा था। तो हमने ये फ़ैन लगाया। अब ये है रियल टेबल फ़ैन का फ़ैन, मैंने खोल लिया और इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये वजन में भी ज़्यादा है तो शायद ये इसका लोड ले सकता है। गाइस पूरे दिन मेहनत करने के बाद अब हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं छत पे लेके गया लेकिन वहाँ पर देखा कि बिल्कुल ही हवा नहीं है। गाइस यार सिस्टम तो बना दिया लेकिन हवा नहीं है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आपको अपने हाथों से जो पंखा है ये घुमा के दिखाता हूँ कि कैसे जो है करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और जो LED है वह जलती है। आज हवा ने भी भैया धोखा दे दी, तो देखो गाइस मैं अभी इसको हाथों से घुमा रहा हूँ और जो LED है वो जल रही है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं देखो कितना इजीली घुमा रहा हूँ इसको, तो ये थोड़ी सी अगर हवा होती तो ये आसानी से घूम जाता और जो LED है वो जल जाती। ये LED है यहाँ पर और अभी ये जलेगी, देखो गाइस ब्लिंक कर रही है। वैसे LED है जो 5 वोल्ट से अधिक करंट पर ही जलती है, लगभग कम से कम 5 वोल्ट तो चाहिए ही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतना समय फ़ैन कितना घुमा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल कम RPM पर भी ये ब्लिंक कर रही है। तो सोचो अगर थोड़ी सी हवा तेज़ होती तो आराम से अपना जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करता। पवन चक्की के कॉन्सेप्ट पर किया गया ये प्रयोग मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मज़ेदार और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट में।